जय श्रीराम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सेठी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि हमारी सीरीज जो है आज के वर्कआउट में जो है कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक जो बिगनर्स के लिए है, फ्रेशर बच्चे जो है उन बच्चों को काफी हेल्प मिली है, कमेंट्स भी काफी अच्छे है और सीरीज को जो है हमारे छोटे भाइयों ने जो है काफी पसंद भी करा है। तो आज लास्ट डे जो है हमारा थाई का वर्कआउट रहेगा और वर्कआउट के अंदर जो है जैसे कि मैंने बताया था कि भाई डायरेक्टली जो है अपने थाई को ट्रेन ना करें। डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि आपने अगर बीच में वार्म अप नहीं लिया है तो लेग्स अगले दिन जाम होगी ही होगी। और आज थाई के वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए हमने अभिषेक को पकड़ा है, तो अभिषेक जो है आपको थाई का पोस्चर बताता चलेगा और मैं इसको परफॉर्म कराता चलूंगा। और एक्सरसाइज कौन कौन सी होगी, पहले हम लोग फ्री स्क्वाट लेते हुए चलेंगे, ठीक है, 6 सेट लेंगे वाइड में और नैरो में दोनों में। इसके बाद स्क्वाट रोड, लेग प्रेस, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन और कर्ल, ठीक है। लास्ट में जो हमारा कूल डाउन होगा, कूल डाउन जरूर लेना। तो जैसे कि मैंने हर बार कहता हूँ कि भाई एक्सरसाइज के नाम जरूर याद कर लिया करो, एक एक तो महीने बाद भी वर्कआउट के नाम याद नहीं होते, तो वो एक वर्कआउट जो है ना चेंज करने का जब टाइम आता है, जैसे कि मैं बच्चों का जो रूटीन चेंज करता हूँ एक महीने के बाद बच्चों का वर्कआउट चेंज करता हूँ, फिर 6 हफ्ते का वर्कआउट जाता है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अपना जो लास्ट जो अपना थाई का डे है वो कवर करते चलते, ठीक है बेटा। पहले फ्री स्क्वाट कर लिए, दिखाओ एक बार, पहले वाइड पोस्चर बनाते। अब जैसे कि पूरे हफ्ते जो है मंडे से फ्राइडे तक का जो था वार्म अप पे फ्री स्क्वाट गया था, लेग्स जो है अगले दिन जाम नहीं होगी, वेट फिर भी हम लाइट वेट से लेते हुए चलेंगे हैवी वेट पे, हल्का फुल्का, ठीक है बेटा। चल बेटा 15 रन निकल लिए, ठीक है। 3, 4 आराम से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है बेटा। अब जैसे कि देखो ऐसा है, फ्रेशर जो है ना भाई फिर स्टार्टअप करें, क्योंकि अभिषेक का जो हमने स्ट्रेचिंग वगैरह हमने करवा दी है और स्ट्रेचिंग के हमने वीडियो भी बना रखी है और लगातार वीडियो गई हमारी है जो सीरीज की जो है, जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। अब ये वाइड में क्लियर हो गए, नैरो में लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। चल चल बेटा, इसके भी 15-15 के 3 सेट रहेंगे। यहाँ अपने 15 रेपिटेशन कवर होने के बाद 3-3 सेट दोनों के जो है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे स्क्वाट रोड की तरफ, ठीक है बेटा। शाबाश, 15 निकाल लो बेटा, ठीक है, रेपिटेशन मैंने गिने नहीं। शाबाश शाबाश, ठीक है शाबाश। अब देखो ऐसा है, अगर बाई चांस जैसे सैटरडे को अधिकतर जिमों के अंदर जो है ना बच्चे थाई मारते हैं, तो फ्रेशर जो है जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं या पुराने बच्चे हैं उनको देख के ईगो लिफ्टिंग ना करें, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस पूरे बने रहेंगे भाई, लोअर बैक जाएगी कहीं ना कहीं या फिर नहीं जाएगी। तो अपना जो है स्क्वाट स्टार्ट करेंगे, पहले जो है बार खाली लेके चलेंगे, 1 सेट 10 रेपिटेशन रहेंगे, 8 फिर 6, धीरे धीरे लोड देते हुए चलेंगे हम लोग, 5, 7.5 किलो, 10 किलो, वो अपने हिसाब से आप लेके चल सकते हो स्ट्रेंथ किस हिसाब से, ठीक है बेटा। आ जाओ, चल बेटा ग्रिप बना लो बेटा, शोल्डर से थोड़ा वाइड रखना, 4 उंगली वाइड, ठीक है, ये शोल्डर हो गया, यहाँ से 4 उंगली वाइड हो गया, ये यहाँ से पकड़ो इसको, ठीक है, लिफ्ट करो। चल बेटा वाइड में रखना, ठीक है, शाबाश। अब पहले सेट में 10 रैप रहेंगे, दूसरे में 8 फिर 6, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोड लेते हुए चलना अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, लोअर बैक पे लोड नहीं आने देना, ठीक है। चलो शाबाश, आराम से, ठीक है शाबाश। जब आप अपना सेट क्लियर कर रहे होते हो तो सामने ना देख के टो की तरफ देखना बेटा, ठीक है, और नी कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही है उस पर ध्यान बनाते हुए चलना है। चलो शाबाश, वीडियो देखो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बीच में जो है मैं एक सिर्फ डेमो के लिए सेट दिखा रहा हूँ आपको, तो इसी तरीके लेके चलना, जैसे पहला सेट 10, 8, 6 रहेगा लोड, उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलना, ठीक है, छोड़ दो बेटा, आ जाओ। इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम, लेग प्रेस की तरफ, लेग प्रेस खाली करो बेटा, क्योंकि लेग प्रेस का जो वेट है वही 40 किलो का वेट है, तो कहीं ना कहीं जो है मैं पहले से जो है एक सेट खाली लेके चलेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाते हुए चलेंगे, 10, 8, 6 रेपिटेशन रहेंगे, 3 सेट लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, 4 सेट नहीं करना। चल बेटा, अब इसमें जो है पंजे स्ट्रेट रखना बेटा, ठीक है, डेल टू डेल जाएगा, जब आप नीचे लेके आओगे लेग को तो अंदर नहीं करना,
क्योंकि आउटर हेड की मसल अभी कवर हो चुकी है, आपने स्क्वाट रोल करा, फ्रंट हेड इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, तो डेप नीचे जाएगा, हाफ नहीं रखना थी, तो हैमस्ट्रिंग की मसल कवर होगी, ठीक है बेटा, चलो चलो लेग कंप्लीट स्ट्रेट नहीं करना बेटा, ठीक है, नहीं तो घुटना खराब हो जाएगा, लिगामेंट वगैरह टूटने के चांसेस रहते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती है मशीन फिर, ठीक है, चलो डेप्थ नीचे इस तरीके लेके आओ, बस जैसे कि मैंने बताया मशीन का जो वेट है, हमारी जो मशीन है इसका 40 किलो वेट है, तो खाली का एक साइड हो जाएगा, दूसरे में फिर लोड देना है, फिर तीसरे में फिर लोड देना है, 10-8 6 रेपिटेशन जाएंगे, ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश, ठीक है छोड़ दो। अब जैसे कि दो एक्सरसाइज हमारी होगी, स्क्वाट लेग प्रेस, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, लेग एक्सटेंशन की तरफ, ठीक है, फ्रंट हेड हमने कवर करा तो इसमें भी हम पहले ही लेके चलेंगे लेग एक्सटेंशन, चलो लाइट वेट करो बेटा, वेट कम करो, एक लगा लो और कोशिश करना कि हर सेट के बीच की जो रेस्ट की टाइमिंग होगी वो थोड़ा सा ठीक ठाक बैलेंस बना के चलना, 1 से 1.5 मिनट का जो ब्रेक होगा वो लेके चलना, ज़्यादातर मैं बच्चों को बताता हूँ 30 सेकंड, थाई की एक्सरसाइज में एनर्जी भी काफ़ी जाती है, हार्ट बीट हार्ट रेट वगैरह चेंज हो जाती है, तो उस दौरान जो है अपना बीच बीच में पानी वगैरह लेते हुए चले, ग्लूकोंडी है तो ग्लूकोंडी लेके चले, ठीक है बेटा, तो रेस्ट की टाइमिंग इस तरीके से रखना और हर सेट को बढ़िया तरीके परफॉर्म करके चलना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, चलो ऊपर होल्ड 1 2 3, नीचे प्लेटें को टच नहीं करना, नहीं तो सारी एनर्जी वापस नीचे चली जाएगी, ठीक है बेटा, ऊपर होल्ड 1 2 3, ठीक है, तो 10-8 6 रेपिटेशन लेंगे, लोड इसी तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा बेटा हर सेट के अंदर, ठीक है, लेग लेग तक के लिए इसके लिए बनाओ उसमें मशीन पे, पोस्चर चेंज करो, चलो अब हैमस्ट्रिंग के लिए जो है काफी अच्छी एक्सरसाइज है, अपनी लेग कर्ल परफॉर्म करो बेटा, आ जाओ नीचे से ग्रिप बनाओ, नी जो है इसके ऊपर रहेगी इसी तरीके से, ठीक है बेटा, नी नीचे नहीं रखनी इसमें, ठीक है, चलो लिफ्ट करो 1 2 3 होल्ड करके, ठीक है बेटा, गंद नहीं मचाना, कंटिन्यू, चलो होल्ड 1 2 3, शाबाश शाबाश, असर आ रहा है इसका हैमस्ट्रिंग पे इधर, चलो तो इसके भी 3 सेट कवर करने हैं आपने, 10-8 6 रेपिटेशन रहेंगे और लोड बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है बेटा, तो इसके बाद 4 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, मेन एक्सरसाइज, ज़्यादातर जो फ्रेशर जो है ना काफ मसल को ट्रेन नहीं करते और लास्ट में जो है ना फिर कल को बदला लगता है ना, जैसे बाई चांस बच्चा तैयारी करने लगे अपनी, उसके बाद एकदम लोड दे रहा है वो तैयार होगी नहीं, तो साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि अपनी काफ को जो है लेके चले स्टार्टिंग से ही, ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, हाँ वेट कम कर लो बेटा, 15 किलो हटा दो, बाकी लगा रहने दो, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक वेट लेके चलेंगे, ठीक है बेटा, आ जाओ चलो। अब इसमें जो है डेल्ट से हेल्प लेते हुए बेटा, ठीक है, पंजे सिर्फ इसके ऊपर रहेंगे, पूरा कंप्लीट लेग आगे नहीं रखना, ठीक है, अब लिफ्ट करो ऊपर होल्ड 1 2 3, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो है ना ग्लूट्स को पीछे ले आते हैं, है ना, तो वो नहीं करना बेटा, लोड लोअर बैक से लोड लेते हुए काफ पे देना इस पर, चलो हाँ पोजीशन ये रहेगी बेटा, नेक हल्का सा नी को बैंड रखना, शाबाश, ठीक है, नीचे होल्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है, शाबाश, तो इसमें भी हमारे 3 सेट कवर करते हुए चलेंगे, 10-8 6 रेपिटेशन के, यहाँ जो है हमारी 5 एक्सरसाइज जो बेसिक एक्सरसाइज होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है बेटा, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, कूल डाउन की तरफ, फिर उसके बाद पहले कूल डाउन लेके आओ, जाओ उसके बाद बताना मुझे, दस साइन तो लेना सिर्फ भाई, कूल डाउन इसलिए बताया ताकि बच्चे के जो है स्क्वाट वगैरह मारने के बाद लोअर बैक वगैरह जाम हो जाते हैं ना कई बार, ताकि अगले दिन जो है कमर में पेन ना हो, इसलिए कूल डाउन करना जरूरी है, 10 सेकंड लिए आप स्ट्रेचिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, और कूल डाउन में जैसे होल्ड करने के लिए 10 सेकंड लिए ये भी हो जाएगा, इसके बाद बच्चे को जो है मैं फ्री स्क्वाट कराऊंगा, 3 सेट जो है उसके रेपिटेशन 10-10 रहेंगे, फ्री स्क्वाट बेटा वाइड में एक बार करके दिखाओ फिर दोबारा, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था 3 सेट, हाँ वाइड में,
इसके फिलहाल 10-10 रैप रहेंगे। चलो शाबाश, ठीक है छोड़ दो। तो यहाँ आपने 3 सेट कवर करने के बाद 5 से 10 मिनट साइकिलिंग करनी है, यहाँ आपका थाई का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखो थाई के वर्कआउट में जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगती है और पार्टों के मुकाबले में, लगती तो सब में है लेकिन इसमें ज़्यादा लगती है। तो भाई अपनी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट जो मील है ना उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, कहीं ये नहीं कि चाय के भाई अपना एक दो बिस्कुट का पैकेट अपना डुबोए और अपना भाग गया है। मैंने कई बार अभी कल परसों बात कर रहे थे बच्चे, पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट लिया अपना वर्कआउट से पहले और अपना जिम में भाग गया है, तो भाई ऐसे मत करा करो क्योंकि एनर्जी पूरी चाहिए। जैसे कि हर बार मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई या तो दही आलू ले लो कार्ब लोड करके, ठीक है, या फिर अपना आधे घंटे पहले 2 केले ले लिए, कभी कभार हफ्ते में 2 दिन जो है डेयरी मिल्क रख ली चॉकलेट 10 वाली, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट मील में अगर अंडे खाते हो तो 4 से 5 एग वाइट, ठीक है, 2 योग नहीं निकालना और 3 का निकाल देना, ठीक है, ये पोस्ट वर्कआउट मील में आपकी हो जाएगी। साथ में अगर रखना चाहते हो तो शेक वगैरह जिस तरीके बता रखा है आपको वो रख सकते हो। तो भाई प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील जो है काफ़ी अहम रोल निभाती है आपके वर्कआउट को परफॉर्म करने में और मसल साइज गेन करने में भी और वेट गेन करने में भी, तो थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ हमारा जो है आज के दिन बिगनर जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी प्यार दिया हमारे यूट्यूब फैमिली ने, तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइज।